Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इधर दिल्ली से मुस्कुराते हुए लखनऊ पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, उधर अखिलेश यादव ने ले लिए केशव के मजे। अखिलेश यादव ने कह दिया ऐसी बात कि केशव को तो बात चुभेगी ही, लेकिन उनके समर्थक भी अखिलेश के इस कमेंट से लाल पीले होने लगे। दरअसल महज 6 शब्दों में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर मारक प्रहार कर दिया, तो उनका वो पोस्ट जमकर शेयर किया जाने लगा। भयंकर चर्चाएं शुरू हो गईं कि अखिलेश आखिर क्या कहना चाहते हैं। चर्चा ये भी कि क्या योगी से ज्यादा अखिलेश के निशाने पर केशव ही हैं, मानो अखिलेश यादव बस केशव को ही फॉलो कर रहे हों। बीजेपी की संतरकलह की एक एक खबर, एक एक तस्वीर पर बारीकी से नजर रख रहे हों। तो क्या कहा अखिलेश ने, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य की ये तस्वीरें देखिए जो जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की हैं। देखिए कैसे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट लौटे केशव प्रसाद मौर्य कान पर ईयरफोन लगाए किसी से बतियाते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। केशव को देखकर कुछ लोग उनकी पैलगी भी करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तो केशव बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें ग्रीट करते हैं। एकदम चौड़े होकर केशव एयरपोर्ट की लॉबी से निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मीडिया को हाथ हिलाकर इशारा करते हैं और निकल जाते हैं अपने घर। कल दिन भर दिल्ली में बैठकों के बाद तमाम खबरों तमाम कयासों के बीच देर शाम की ये तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों पर अखिलेश यादव महज 6 शब्दों का मारक प्रहार करते हैं और केशव मौर्य को बुद्धू बता दिया। अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। हालांकि अखिलेश यादव अपने इस पोस्ट में किसी का जिक्र नहीं करते, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा सबको समझ आ रहा था कि आखिर अखिलेश यादव किस पर कर रहे हैं बड़ा तंज। दरअसल टाइमिंग ने ही सब कुछ कह दिया था। एक ओर केशव के लौटते ही उनकी एयरपोर्ट की तस्वीरें शेयर होना शुरू होती हैं, उधर अखिलेश ये पोस्ट कर देते हैं। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट रात को करीब 10:45 किया था। दरअसल केशव 2 दिन दिल्ली में होते हैं, उनकी नड्डा से मुलाकात की खबरें तो आती हैं, लेकिन पीएम मोदी और शाह से मुलाकात की कोई खबर नहीं, जबकि भूपेन चौधरी की मुलाकातें होती हैं। ऐसे में अखिलेश मजे लेते हैं, जिसके बाद अखिलेश के इस पोस्ट पर केशव के समर्थक नाराजगी जाहिर करते हैं, बुद्धू शब्द पर एतराज जताते हैं, अखिलेश यादव को जमकर घेरते हैं। वैसे अखिलेश और केशव के बीच जुबानी जंग जग जाहिर है। अक्सर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर भयंकर भिड़ंत देखने को मिलती है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी दोनों के बीच की तू तू मैं भी अक्सर चर्चा में आती रहती है। और अब जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा बयान देने के बाद केशव मौर्य दिल्ली दौड़ लगाते हैं, तो फिर से अखिलेश जुट जाते हैं केशव के मजे लेने में। वो बैक टू बैक बीजेपी के अंदरूनी टसल पर पोस्ट करते हैं, तो पीसी कर बड़ा हमला भी करते हैं। हालांकि केशव भी अखिलेश को उनके ही अंदाज में उनको लपेट जाते हैं और असली पीडीए का पाठ पढ़ा जाते हैं। खैर, अखिलेश के केशव की वापसी पर किए गए इस कमेंट पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।